हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बेसिक नॉलेज। आज रो सीरीज रे हमें डिस्कस करबा 500 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि साइंस रिलेटेड अच्छी। साइंस रो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रिलेटेड जहाँ भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपन को एग्जाम रे रेगुलर पचरा जाउची, ठीक है, पचरा जाई सारी से सब को ही हमें डिस्कस करबा। टॉप 500 क्वेश्चन जहाँ पार्ट वन होची एटा, प्रथम पार्ट रे हमें 30 क्वेश्चन डिस्कस करबा, तार रिलेटेड जहाँ भी इंपोर्टेंट टर्म्स रही चंती डिटेल रे बुझिबा, ठीक है। एटा होची फर्स्ट क्लास हमर 500 एमसीक्यूज रो, ठीक है। जदि आपण माने फर्स्ट टाइम हम चैनल को आछंती तले मस्त सब्सक्राइब कर दियंतु, एंड पर्यंत देखंतु। जदि वीडियो टी आपण को भल लागुची, क्लास टा इंटरेस्टिंग रहूची, ताहले आपण माने लाइक करबे, ठीक अछि। स्टार्ट करबा प्रथम क्वेश्चन। द इमेज formed by a mirror each dash mirror is generally real and inverted, ठीक है। क्यों मिरर द्वारा जो प्रतिबिंब गठन हुए सेटा रियल ही थाए आउ इनवर्टेड ही थाए, ठीक है। रियल होची वास्तव हम, ठीक है, जहाँ भी से मिरर ही थी प्रतिबिंब सृष्टि हम तादेह से वास्तव ही थी, एवं इनवर्टेड कहले सेटा उल्टा ही थी, ठीक है। वास्तव और उल्टा प्रतिबिंब क्यों मिरर रे सृष्टि हुए, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, नॉन ऑफ दिस। देखो जदि हमें प्लेन मिरर को विचार को नबा, तो प्लेन मिरर रे केबे भी इनवर्टेड पिक्चर सृष्टि हुए ना, केबे भी प्रतिबिंब इनवर्टेड हुए ना, तेणु ऑप्शन नंबर ए होगा भूल। आउ कनकेव आउ कन्वेक्स, देखो जो वर्तुलाकार दर्पण रही तार दुईट पार्श्व रही, ठीक है। गोटे हूँ कन्वेक्स आउ गोटे हूँ कनकेव। देखो जदि आपण मैंने गोटे चामच को देखिए, तेल तो जो खालुआ पट जो रहा सेटा हूँ आपंकर कनकेव मिरर, मन रखिए कनकेव हूँ खालुआ पटटा, आउ जो ऊपर पटटा जोटा रहा हूँ कनवेक्स मिरर, ताको जदि हमें मिरर धरिया तेल से ही आकार में नवा, ठीक है। कनकेव मिरर जहाँ अवतल दर्पण बोली कहुए, कनवेक्स मिरर जहाँ को उत्तल दर्पण बोली कहुए, ठीक है। और प्रतिबिंब आपण को पचारि कौटी रियल आउ इनवर्टेड प्रतिबिंब आपण को देखा जिवो। जदि आपण खालुआ पटरे निजर मुह को देखिबे, ताहले आपण को निजर मुह उल्टा देखा जिवो, ताहले खालुआ पट होची कोन कनकेव मिरर बा अवतल दर्पण, ठीक है। आमे जानिबा को पाइले कि अवतल दर्पण रे जो प्रतिबिंब सृष्टि हुए सेटा होची उल्टा थाए, ठीक है, वास्तव प्रतिबिंब किंतु उल्टा थाए। ताहले आमर ऑप्शन नंबर बी जो देची कनकेव सेटा हिजिवो सटीक आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कनकेव। आमे डिटेल रे बुझिबा मिरर रे कोन कोन टर्म्स रही चंती। देखो जदि आम गोटे कनकेव मिरर को ड्रॉ करिबा, एटा होची खालुआ पट प्रतिफलन पृष्ठ जहाँ खालुआ थाए सेटा होची आमर कनकेव मिरर बा अवतल दर्पण या कहुए। भलसे मन रखु दर्पण रिलेटेड जहाँ जहाँ इंपोर्टेंट अच्छे मुझे कहीदे, यार ये जो रही जदि आम एम धरिया आउ एन धरिया, तेल एम आउ एन मध्य जो परिसीमा रही दूरता को आम द्वारक बोली कहिबा, ठीक है। प्रतिफलन पृष्ठर द्वारक बोली कहुए, आउ यार मझीटा जोटा रहा सेटा होची तार पोल, मन रखिबे से जो द्वारकर प्रतिफलन पृष्ठर मझी बिंदु को पोल बोली कहुए, ठीक है। आउ देखु ये जो रहा प्रतिफलन पृष्ठ से गोटे गोलकर अंश ही ना ना, देखो सेटा हूँ गोटे गोलकर अंश, प्रतिफलन पृष्ठ हूँ गोटे गोलकर अंश, आउ ये गोलकर जो मझीटा रहा सेटा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, मन रखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर बा वक्रता केन्द्र बोली कहुए, या सी अक्षर द्वारा दर्शा जाए, ठीक है। ता सहित ये सी आउ पी को लेकिन जो डिस्टेंस रहा सेटा हूँ कौन वक्रता व्यासार्ध, ठीक है। भलसे मुझे ड्र करदे टे कि भी डाउट रही जमी सेम पढ़ा, ठीक है। सी आउ पी मध्य जो डिस्टेंस रहा आर कहुए, बाटा हूँ वक्रता व्यासार्ध, ठीक है। जेकोसी दूरता हो सब पोल ठारू मपा जाए, मन रखिए यही पोजिशन रू आप मापा, ताहले एटा आउ या जो केन्द्र रहा आउ पोल रहा या जदि आम जोड़ा यही दिगरे आम आग को बढ़ेबा, ताहले या कह प्रमुख अक्ष, मन रखु एटा हूँ प्रमुख अक्ष, ठीक है। ताले प्रमुख अक्ष है यहाँ बुझंतु भलसे बुझा जहाँ जहाँ इंपोर्टेंट टर्म्स अच्छी सबको, जदि ये प्रमुख अक्ष सहित आम समांतर भाव में कौन सी गोटे लाइट को बा कौन सी गोटे रश्मि को छाड़ा आपत्त तो रश्मि को या दिखे छाड़ा, ताल से गोटे पॉइंट दे प्रतिफलित हम ताक कह आम कौन फोकस, मन रखु जेकोसी जगार आम जदि प्रमुख रेखा सहित समांतर भाव में कौन सी गोटे रश्मि को छाड़ा प्रतिफलन पृष्ठ उपरको, ताहले से कौन हम प्रतिफलित हम ल अफ रिक्लेसन अनुजाई प्रतिफलित हम आउ से प्रतिफलित हम गोटे निर्दिष्ट पॉइंट रे से पॉइंट को फोकस बा एप कहुए, आउ से फोकस हूँ रेडियस दुई गुण मानने अधा, ठीक है। आर इज इक्वाल टू 2f, मन रखिए आर इज इक्वाल टू 2f, अर्थ से जो फोकल लेंथ जिते भी फोकस रहा सेटा रेडियस रो अधा रहा, अर्थात आम जदि देखा ये कौन रखु आमर रेडियस जदि ये 10 सेंटीमीटर हुए, ताले फोकस ये 5 सेंटीमीटर हम बुझीला, ताले
आई थिंक आपण मैंने बुझुंट किटा बुझुंट जेहेतुटा क्लास नुहे तेणु बहुत लंबा होडियो मुझरली कहली आउ या देहरे जो मिरर रे जो इमेज सृष्टि हे ठीक है सहीटा सब बड़े कौन हम रियल एवं इनवर्टेड तेल मुझ इमेज ड्र करी देखे दौची यार बहुत कि छटा बिंदु अच्छी जो इमेज फर्मेसन हुए है एडा हूँ आमर मेन प्रमुख अक्ष ठीक है एदी गोटे अब्जेक्ट अच्छी एटी मन करते गोटे अब्जेक्ट अच्छी या ना हूँ ए आउ बी ताहले एटा हूँ प्रतिफलन पुष्ट ठीक है ताले एटी जो इमेजर फर्मेसन हम सेटा सबुबेड़े कौन हम ना रियल रियल कहले बास्तव बास्तव कौन कह प्रतिफलन पुष्टर यही पार्श्वरे सामने जो प्रतिबिंब सृष्टि हम ताक बास्तव प्रतिबिंब कहुए आउ यार प्रतिफलन पुष्टर जदि अपोजिट पार्ट्रे मुझे क्रस करुच्छे भलसे देखूँ एटा हूँ प्रतिफलन पुष्ट ताले प्रतिफलन पुष्टर अपोजिट साइड्रे जो दर्पण जो प्रतिबिंब सृष्टि हम प्रतिफलन पुष्टर अपोजिट्रे आम कह कौन आभासी प्रतिबिंब ठीक है आउ प्रतिफलन पुष्टर सामने जो प्रतिबिंब सृष्टि हम सेटा हो कौन आमर बास्तव प्रतिबिंब जेहेतु आमर अवतरण दर्पण बा कनकेव मिरर रे सबुबेड़े कौन हुए ना यही पटे इमेज सृष्टि हुए तेणु एटा हो कौन रियल बा बास्तव इनवर्टेड कहले कौन देखो एटा जेहेतु एमती वस्तु अच्छी यार प्रतिबिंब जिते बड़े गठन हम ना से एपरी भाव हम ठीक है यार ऊपर पटे तीरचिन्ह अच्छी यार तलपटे तीरचिन्ह रहिबो अर्थात आमर प्रतिबिंबटा उल्टा रहिबो आउ क्षुद्र रहिबो ठीक है क्षुद्र बा छोट रे ये ए पोजिशन अनुजाई क्षुद्र बा बड़ हम सीटा अच्छी छटा पोजिशन अच्छी आम जदि मानने कौन करवा अनंत दूरत रखा तेल यार इमेजटा फोकस पाखे रीक है सी ठार सेटर अफ कर्वेचर दूर से रखिले तार फोकसटा कौन रहा अलग जगह पड़ो ठीक है पी आउ सी मध्य री ठार जदि से वस्तुटा रखा तेल तार जो इमेजटा अच्छे से सी ठार ही गठन हम कि उल्टा गठन हम तो पोजिशन अनुजाई तार रही कौन क्वेश्चन थी देखूँ क्वेश्चन थी आमर कौन रियल इमेज हुए आउ इनवर्टेड इमेज हुए ताले सेटा हो कनकेव मिरर ऑप्शन नंबर बी हो सटिक आंसर अबतल दर्पण ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिबा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन क्यों साइंटिस्ट न्यूट्रॉन रो आविष्कार करते ठीक है तले न्यूट्रॉन आविष्कार किए करते मुझेदेपर न्यूट्रॉन विषय में डिस्कस करवा तले न्यूट्रॉन रो आविष्कार करते जेम्स चैडविक ऑप्शन नंबर सी हो सटिक आंसर तले न्यूट्रॉन कौन देखु पदार्थ बहुत छोटा छोटा कणिका को नहीं गठित होता है जहाँ को परमाणु बा एटम कहुए मन रखु आटम हूँ छोटा छोटा कणिका पदार्थर क्षुद्रतम कणिका को आटम कहुए कि परवर्त समय देखागला कि आम परमाणु को भांगी पारा आमको अब परमाणु मिल जोटा हूँ कौन प्रोटन न्यूट्रॉन आउ इलेक्ट्रॉन मन रखु ये तीन टा हूँ अब परमाणु जोटा कि आटम को भांगे सब एटॉमिक पार्टिकल आकार आमको मिलती ठीक है अभी जो प्रोटॉन रहा से हूँ पॉजिटिवली चार्ज ठीक है आउ इलेक्ट्रॉन हूँ नेगेटिवली चार्ज आउ न्यूट्रॉन रोच नो चार्ज ए चार्ज ही ना ना पॉजिटिव चार्ज अच्छी ना नेगेटिव चार्ज अच्छे ताले आम बुझे न्यूट्रॉन जोटा कि चार्ज जो थे ना चार्ज विहीन कणिका है आउ एटा को आविष्कार करते जेम्स चैडविक आउ गोटे जिनस बारंबार आपंकर पचारे परीक्षा कि जो न्यूट्रॉन रही तार मास के ठीक है मास्टा इंपोर्टेंट मन रखु न्यूट्रॉन रो मास होमर 1.67 × 10⁻²⁷ kg मन रखु सबूक वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बारंबार परीक्षा में पचरा जाए पचरा जाऊँगी ठीक है तेरे मास ऑफ न्यूट्रॉन हो 1.67 × 10⁻²⁷ kg ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करवा थर्ड नंबर क्वेश्चन ऑप्टिकल फाइबर मेनली यूज इन कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन व्हिच प्रिंसिपल देखो ऑप्टिकल फाइबर जोटा कि यूज हो खास करी कम्युनिकेशन रे से क्यों प्रिंसिपल अनुसार चले ताले से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल रे चले ऑप्शन नंबर सी हो सटिक आंसर ठीक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कौन ठीक है यहाँ हूँ गोटे प्रिंसिपल ठीक है जोटा कि खास करके ये प्रिंसिपल अनुजाई लाइट सब बड़े डेंसर मीडियम रु रियर मीडियम को जीव बुझे डेंसर मीडियम रु एटा लाइट रो गति सब रियर मीडियम को हुए ठीक है ये प्रिंसिपल को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहुए ठीक है आउ ये मेन कथा हूँ एग्जाम रे कौन आसे ये जो टोटल रिफ्लेक्स इंटरनल रिफ्लेक्शन रही ये प्रिंसिपल को कौन कौन फॉलो करे ठीक अच्छे आउ कौन थे ये प्रिंसिपल कार्य करे आपण मैंने मिराज बोली जानते गोटे जिनस मिराज ठीक है मिराज कहले कौन ना ये फेनोमिना खास करके समर रे आप समर सीजन में देखे थे रास्तार गोटे लिक्विड टाइप रो मटेरियल देखा जाए ओके कलरफुल लिक्विड मटेरियल देखा जाए लिक्विड परिका से हूँ मिराज ठीक है आउ से मिराज फर्मूला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल अनुजाई होता है ता सहित मेडिकल जो एंडोस्कोपी करा जाए ठीक है सेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल को फॉलो करता है आगे को बढ़िया
जदि क्लास टी भल लगुच लाइक करूँ चैनल रे फर्स्ट टाइम आसते मस्त सब्सक्राइब करेंगे। चार नंबर क्वेश्चन, नेम द वाटर सल्युबल विटामिन्स। क्यों विटामिन होती वाटर सल्युबल, ठीक है तो विटामिन बी आउ सी हो, ऑप्शन नंबर सी हो सटिक आंसर। विटामिन बी आउ सी होती वाटर सल्युबल विटामिन। तले विटामिन कहले विटामिन आम शरीर में अल्प मात्रा रे दरकार किंतु दरकार, जदि विटामिन रो अभाव हुए ताले शरीर में विभिन्न प्रकार रोग होता है, ठीक है। तामध्यरु विटामिन बी आउ सी होची वाटर सल्युबल विटामिन। खास करी विटामिन को दि भाग रे विभक्त करा जाई छी, गोटे होची वाटर सल्युबल विटामिन आउ गोटे होची फैट सल्युबल विटामिन, ठीक है। वाटर सल्युबल विटामिन रे नॉर्मली आमर विटामिन बी आउ सी आसीबे, फैट सल्युबल विटामिन रे आसीबो आपण ए डी ई के, ठीक है। ए डी ई के बा आपण याकु कीड़ा आकार मन रखी परिबे केड़ा, ठीक है। ये विटामिन होची फैट सल्युबल विटामिन। ता सहित या रिलेटेड आउ गोटे जिनस है कि विटामिन्स रो जो आविष्कारक किए, ठीक है। विटामिन को आविष्कार करते सी फंक, मन रखु बारंबार ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पचारि बहुत थर एग्जाम रे, कि विटामिन रो जो डिस्कवर किए करते सी फंक करते मन रहा। आउ विटामिन वाटर सल्युबल विटामिन खास करके फ्रूट्स आउ पर थाए आ विटामिन बी आउ सी को कह जाए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आग को बढ़िया, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ रो एस्केप वेलोसिटी केते। ताले गोटे जिनस आमको जानवर पड़ो कि एस्केप वेलोसिटी होची कौन, एक्चुअली एस्केप वेलोसिटी हैला कौन सी गोटे वेलोसिटी बा जो थे गोटे ऑब्जेक्ट को जदि आम स्पेस को छाड़ा ताहले से अर्थ को रिटर्न करिवनि, बुझी होची। जो वेलोसिटी रे आम गोटे वस्तु को अर्थ को बा स्पेस को माने अर्थ रु स्पेस को छाड़ा आउ से बैक करि पारिबनि सेई वेलोसिटी को हमें एस्केप वेलोसिटी बोली कहिबा, ठीक है। आउ अर्थ रो एस्केप वेलोसिटी होची 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। देखो दुईटा क्वेश्चन सेम अच्छी, देखो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड अच्छी, किलोमीटर पर आवर अच्छी। देखो आप एग्जाम आपंकर माइंड सह खेल एग्जामिनर, तेणु आप ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करेंगे किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मूव करवा नेक्स्ट क्वेश्चन को, व्हेन द बैरोमीटर रीडिंग डिप सडनली इज आन इंडिकेशन ऑफ डैश। जिते बड़े बैरोमीटर रो रीडिंग सडनली डाउन हो जाए बा कमी जाए बा तल को खसी जाए सेते बड़े से कौन इंडिकेट करे, अर्थ को एक आसूची बा ड्राई वेदर हबो बा स्टॉर्म हबो बा एमान को मध्यरो कौन सीटी नुहे, ठीक है। ताले बैरोमीटर कौन, बैरोमीटर होची गोटे इंस्ट्रूमेंट खास करके जो थे आम एटमोस्फियरिक प्रेशर मापू, मन रखिए एटमोस्फियरिक प्रेशर आम जो थे मापू प्रेशर जो थे एटमोस्फेरिक प्रेशर मपा जाए ताको बैरोमीटर बोली कहा जाए, ठीक है। आउ ये बैरोमीटर रे जदि हठात तार रीडिंग ता डाउन हो जाए तल को खसी जाए सेटा इंडिकेट करे कि स्टॉर्म होबा को अच्छी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो सटिक आंसर। आग को बढ़िया, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द फेनोमेनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। साइंटिस्ट जी डिस्कवर करते कि रेडियो एक्टिविटी को निम्नलिखित मध्य सी होती किए, ताले रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर करते हेनरी बैकरेल, मन रखिए ऑप्शन नंबर वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत थोड़ा एग्जाम रे पचरा जाइए। रेडियो एक्टिविटी को क्यों साइंटिस्ट डिस्कवर करते हैं हेनरी बैकरेल, ओके हेनरी बैकरेल या डिस्कवर कर मन रखिए भलसे। आउ या यार एसआई यूनिट हो रेडियो एक्टिविटी बैकरेल, मन रखिए यार एसआई यूनिट हो बैकरेल से बैकरेल बैकरेल को ना अनुसार यार यूनिट दिया जाए छी। आउ नॉन एसआई यूनिट आपन को पचारे सेटा हिजबो क्यूरी, ठीक है। नॉन एसआई यूनिट होची क्यूरी आउ एसआई यूनिट होची बैकरेल, ठीक है। आउ रेडियो एक्टिविटी कौन ताले जहाँ भी आम पढ़ुचे बुझा भलसे तार अर्थ कौन डिटेल से कौन सब क्लास टाइप रहा आपको फिल कर, ठीक अच्छे। रेडियो एक्टिविटी होची गोटे स्पन्टानियस प्रोसेस जो थे आम अल्फा बीटा गैमा ये सब पार्टिकल रो एमिशन होता है, ठीक है। ताको कहिबा आम रेडियो एक्टिविटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चले हेनरी बैकरेल इज करेक्ट आंसर। आठ नंबर क्वेश्चन को देखंतु, इफ अ बॉडी कंप्लीट्स अ डिस्प्लेसमेंट एस इन टाइम टी विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी देन करेक्ट रिलेशन बिटवीन देम इज। देखो आम गोटे रिलेशन जाने डिस्प्लेसमेंट आम कमी बाहर करवा, डिस्प्लेसमेंट हूँ कौन वेलोसिटी बाय टाइम, एटी वेलोसिटी भी दे टाइम टी दे एपरी फर्मुला रही ना डिस्प्लेसमेंट बुझी होची एमती फर्मुला देखते कौती भी देनी देखो डिवाइड आकार कौन से कि देनी तेल गोटे फर्मुला डिराइव करा कि वेलोसिटी इज इक्वाल टू कौन हो देखो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी सॉरी रॉन्ग फर्मुला लिख दे
वेलोसिटी समान डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ओके बावलर हेइछि किछ नै देखिबा देखंतो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ताहले हमें डिस्प्लेसमेंट को जदि रखि दबा एठी डिस्प्लेसमेंट कोन हेजिबो वेलोसिटी इनटू टाइम ना नै ताहले एमती हमें डिराइव करि परबा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिले ताहले एटा होछि डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम ताहले देखंतो कोठी देइछि ऑप्शन नंबर सी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट मूव करबा नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच लॉ ऑफ न्यूटन्स डिफाइन इनर्शिया निम्नलिखित मध्य क्यों नियमटी न्यूटन को इनर्शिया को डिफाइन करे देखो तो इनर्शिया कथा कहा जाए इनर्शिया हूँ जड़ता बुझा इनर्शिया कौन आग इनर्शिया हूँ गोटे एमती प्रॉपर्टी जो थे कि गोटे स्थिर वस्तु सब स्थिर रहिबाकु चाहिबो गतिशील वस्तु सब गति करिबाकु चाहिबो आपण माने 9th रे पढ़ी थे खास करके न्यूटन का प्रिंसिपल जो थे कि आप इनर्शिया उपरे बहुत सारा इंपोर्टेंट जो आप कैरम बोर्ड खेलुथिबे ठीक अछि ता सहित से कौन हुए जिते बड़े तलर मैंने खसी जाए से गोटी ताले उपरटा से पड़ी जाए से जगह आपण मैंने जदि कार्डबोर्ड को लेकिन तापर गोटे टंका नहीं कि एक्सपेरिमेंट करेंगे ताको जो आप कार्डबोर्डा को अचानक हटेबे गोटे ग्लास उपरूर से टंकाटा ग्लास भितर पड़ो एमती सब आप पढ़ी थे एक्जामपल जमी बस रे बसला बेले है आम हठात आग को गुंची जा कि पछक झुंटी पड़ा से सब इनर्सिया जो हुए ठीक है आउ से इनर्सिया प्रपर्टी हूँ कौन ना सब स्थिर वस्तु सब स्थिर रहा चाहिए गतिशील वस्तु सब गति करा चाहिए या कहुए इनर्सिया ठीक है आउ इनर्सिया कथ से न्यूटन निजर फर्स्ट ल रे कही ठीक अच्छे तेल न्यूटन फर्स्ट ल हूँ इनर्सिया ल अफ इनर्सिया ठीक है आउ सेकेंड ल कथा जब विचार करवा सेकेंड ल रे जानी मास इंटू एक्सेलरेसन हूँ फोर्स ठीक है केते मास रही से वस्तुर आउ केते एक्सेलरेट होटा हूँ तार फोर्स न्यूटन रो सेकेंड लॉ रो हमें आउ गोटे जिनस जानवा मोमेंटम कथा ठीक है मोमेंटम कौन हो पी इज इक्वाल टू एम भी ठीक है मोमेंटम पी इज इक्वाल टू एम भी ये फर्मुला न्यूटन का सेकेंड लॉ रो मिलिबो ठीक है ता सहित न्यूटन का थर्ड लॉ को आम जब देखा तो एव्री एक्शन हाज इक्वाल एंड अपोजिट रिएक्शन एटा हूँ न्यूटन का थर्ड लॉ प्रतिक्रिया बल समान एवं विपरीतमुखी प्रतिक्रिया बल थाए ठीक है ये सब आम देखिले तेल आमको क्वेश्चन पचारि कौन पचारि आमको इनर्सिया कथ इनर्सिया कनसेप्ट से फर्स्ट लॉ रे ठीक है रेस्ट इनर्सिया कहते गति इनर्सिया कहते फर्स्ट लॉ रे ऑप्शन नंबर ए हो सटिक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा दस नंबर क्वेश्चन द टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड से जो मोमेंटम बाहर करते से मोमेंटम रे टोटल चेंज जोटा होती से इंपल्स कहते तेणु ऑप्शन नंबर सी हो सटिक आंसर टोटल चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन देन द अपेरेंट वेट इज जिते बड़े गोटे लिफ्ट रे आपण अछंती ठीक हैला से कौन अच्छी यूनिफॉर्म स्पीड रे अच्छी किंबा रेस्ट अच्छी से समय रे तार अपेरेंट वेटा के ठीक है से समय तार अपेरेंट वेट इक्वल टू द रियल वेट ऑफ द बॉडी तले हेजबो हमरो ऑप्शन नंबर बी हेजबो सटिक आंसर जो समय आप यूनिफॉर्म मोशन रे अच्छा कि मैंने रेस्ट रे अच्छा से जो जगह आपड़ हूँ ना कहीं से समय आपंकर इक्वल हो जाए रियल वेट सहित आपंकर अपेरेंट वेटा इक्वल हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी ओके ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो एसआई यूनिट रही है कैंडेला ओके ऑप्शन नंबर बी कैंडेला हो सटिक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड देखो तले फ्रीक्वेंसी होची एफ टाइम पीरियड होची टी सब एफ आउ टी मध्य रिलेशन होची एटा होची या सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड तेणु इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑप्शन नंबर बी हो सटिक आंसर ओके मूव करबा नेक्स्ट क्वेश्चन को अ बॉडी दैट अब्सॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट इज कॉल्ड अ डैश गोटे बॉडी जोटा कि सबूक रेडिएशन को कौन एब्जॉर्ब करिए जे भी जो रेडिएशन या उपरे पड़े से सबको एब्जॉर्ब कर लिए से किए से वस्तुटी किए बा से बॉडीटी कौन क्यों प्रकार कलर रे क्यों रंग रे सबूक रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाए बहुत इजी क्वेश्चन ब्लैक बॉडी इज करेक्ट ओके ब्लैक कलर रे सबूक रेडिएशन रोचे से एब्जॉर्ब हो जाए से समर सीजन रे ब्लैक ड्रेस पिंधती ना बुझे कहीं कौन करे लाइट रबूक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर नब नेक्स्ट क्वेश्चन द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमिटर इज डैश ठीक है गोटे आइडियल एमिटर रेजिस्टेंस टा के
ठीक है दुईटा जिनस ये अच्छी गोटे हूँ रेजिस्टेंस आ गोटे हूँ एमिटर ये दुईटा जिनस कौन ठीक है जदि आम रेजिस्टेंस कथा विचार को ना तो रेजिस्टेंस रो एसआई यूनिट हूँ ओम मन रखिब ओम या बाहर करते तेणु यार एसआई यूनिट हूँ ओम आमती ताकु रिप्रेजेंट करा जाए देखंतु से एडा को मने रखिबे या द्वारा रिप्रेजेंट करा जाए आउ रेजिस्टेंस रा कौन एक्चुअली ठीक है जेते बड़े इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे तर अपोजिशन जोटा क्रिएट करे सेटा होची कौन रेजिस्टेंस मन रखिबे तर अपोजिशन टा होची रेजिस्टेंस आउ एमिटर कौन एमिटर होची जो थरे करंट मपा जाए ठीक है इलेक्ट्रिक करंट जो थरे आमे मेजर करू सेटा होची एमिटर सब एटा सीरीज कनेक्शन हुए एटा मध्ये मन रखिबे बहुत तरह एग्जाम रे आसीची रेजिस्टेंस रो ठीक है तले क्वेश्चन कौन थिला द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमिटर रेजिस्टेंस सब जीरो हुए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एलिमेंट व्हिच पजेस द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड बहुत इजी क्वेश्चन एटा बारंबार एग्जाम रे पचारे इंपोर्टेंट मध्य हैला से एलिमेंट जहाँ पाखे बोथ मेटल आउ नॉन मेटल क्वालिटी थाए ताकु कौन कहुए ताकु मेटलॉइड कहुए ऑप्शन नंबर बी हो सठिक आंसर। ओके टोटल जदि आम पीरियडिक टेबुल को देखा तेल पीरियडिक टेबुल रे टोटल 8 एलिमेंट्स अच्छा जो मैंने बोथ मेटल आउ नॉन मेटल रो गुण प्रदर्शन करती तेणु आम मेटलॉइड कहवा से कौन कौन मुझे रखुच्छी लिखाटा बहुत वीडियो लंबा हो जाए मुझे खाली शुणी दिंतु बोरन सिलिकन जर्मानियम आर्सेनिक एंटीमोनी टेलुरिनियम एस्टानिम ओके एस्टाटिन जो रही आउ पोलोनियम ये सब हूँ मेटलॉइड आठटी आगो को बढ़िबा 17 नंबर क्वेश्चन रिलेटिव चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज देखंतु न्यूट्रॉन मु आगरु डिस्कस कर सारी न्यूट्रॉन रे कौन से चार्ज न थाए तेणु जीरो ही जीवो ठीक है प्रोटॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव किंतु न्यूट्रॉन रे कौन से चार्ज न थाए आगो को बढ़िबा एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड डैश देखो पचारिचे कौन सेम नंबर पचारिचे किंतु न्यूट्रॉन पचारिचे क्वेश्चन टी भलसे पढ़े ना गोटे मार्क जीव ता सहित आडभांस नहीं जीव ठीक है नेगेटिव मार्किंग थी से बहुत असुविधा हो जाए जदि आपसे क्वेश्चन को न पढ़ती सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देची डिफरेंट मास नंबर देची ताहले आमे ताको आइसोटोन कहिबा नॉट आइसोटोप नॉट आइसोबार बोलसे मन रखिबे जदि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थाए डिफरेंट नंबर ऑफ मास थाए ताको आइसोटोन बोली कहा जाए ठीक है ऑप्शन नंबर सी हो जीवो सटीक आंसर तले आउ दुटा जिनस आपणको माइंड रे आसीबो आइसोटोप कौन आइसोबार कौन जानिथिबे मध्य जदि एटॉमिक नंबरटा सेम हुए सेम कौन रहिबो एटॉमिक नंबर आउ डिफरेंट मास नंबर ताको आमे कहिबा आइसोटोप ओके डिफरेंट मास नंबर लिखिबा कोटी असुविधा होची आइसोटोप होची सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर ताको कहिबा आइसोटोप आइसोबार तरह सिंपल उल्टाटा सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर आई होप आपण माने बुझुचंती आगो को बढ़िबा जदि क्लास टी भल लगुची ताले मस्ट लाइक करिवे फर्स्ट टाइम जदि आपण माने हमर चैनल को आछंती ताले मस्ट सब्सक्राइब करिवे ओके 19 नंबर क्वेश्चन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड द डैश ऑफ एलिमेंट देखंतु से प्रोटॉन संख्या हो किंबा इलेक्ट्रॉन संख्या हो देखंतु गोटे एलिमेंट रे सब बड़े प्रोटॉन संख्या जेतिकि इलेक्ट्रॉन संख्या सेतिकि हेथाय मन रखिबे समान हेथाय जेतिकि प्रोटॉन संख्या सेतिकि इलेक्ट्रॉन संख्या ताहले से कोण से एलिमेंट रो कोण कुहा जीवो ताकु तार एटॉमिक नंबर जो प्रोटॉन संख्या किंबा इलेक्ट्रॉन संख्या को तार एटॉमिक नंबर कुहा जाय ऑप्शन नंबर ए हेगला सटीक आंसर याकु जेड अक्षर द्वारा रिप्रेजेंट करा जाय एटॉमिक नंबर को आगो को बढ़िबा व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर रो पीएच केते फर्स्ट हमें बुझिबा पीएच कोण पीएच रो फुल फॉर्म होची पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन मन रखिबे पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन खास करी एटा होची गोटे इंडिकेटर जोटा कि एक्वस सल्यूशन रो एसिडिक किंबा बेसिक किंबा न्यूट्रल कंडीशन को जणाए ठीक है जो इंडिकेटर जहाँकि एक्वा सल्यूशन रे काम करे आउ से सल्यूशनटा एसिडिक अच्छे किंबा न्यूट्रल अच्छे किंबा बेसिक अच्छे एटा पीएच द्वारा जना पड़े ठीक है आउ पीएच रे एटा 0-14 पर्यंत नंबर थाए आउ 14 होची सबुठारु अधिक क्षारीय आउ 0 होची सबुठारु अधिक अम्लीय आउ 7 थिले ताकु न्यूट्रल कहिबा वा प्रशमित कहिबा ठीक है आपन को क्वेश्चन पचारि पारे कि सबल अम्ल कौन दुर्बल अम्ल कौन
ସେଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବା ଯେଉଁ ସେ ଅଧିକ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ ଦେଇପାରୁଥିବ ସେଇଟା ଅଧିକ ଏସିଡ଼ିକ୍, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଓଏଚ୍ ମାଇନସ୍ ଆୟନ ଦେଇପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ଅଧିକ କ୍ଷାରୀୟ। ଠିକ୍ ହେଲା, ସେଇଟା ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଆମେ। ଓକେ, ଏଚ୍ ସି ଏଲ୍ ଯେମିତି ହୋଇଗଲା, ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସବୁ ହେଉଛି ସବଳ ଅମ୍ଳ। ସେହିପରି ସବଳ କ୍ଷାରରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ସାରା ସବଳ କ୍ଷାର ରହିଛି, ଯେମିତି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍, ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସବଳ କ୍ଷାର ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ପଚାରିଥିଲା ଆମକୁ କ'ଣ ପିଏଚ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର, ପିଓର ୱାଟର୍ର ପିଏଚ୍ ହେଉଛି 7। ଓକେ, ଏ ସରି, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହୋଇଗଲା ନା, ହଁ, ତାହେଲେ ପିଏଚ୍ ୱାଟର୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି କ'ଣ ସେଇଟା ହେଉଛି 7, ନଟ୍ ସେଇଟା ଏସିଡ଼ିକ୍ ନୁହେଁ କି ବେସିକ୍ ନୁହେଁ। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହୋଇଗଲା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ ବ୍ଲଡ଼୍ର ପିଏଚ୍ ପଚାରେ ସବୁବେଳେ, ତେଣୁ 7.4 ମନେ ରଖିବେ ବ୍ଲଡ଼୍ର ପିଏଚ୍। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। NaOH ପ୍ଲସ୍ HCl, ଏହା ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍, ଆପଣ ବାହାର କରିବେ ସେଇଟା କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ H2O। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ସମୀକରଣ ବା ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ କେମିକାଲ ଇକ୍ୱେସନ୍। ଠିକ୍ ହେଲା, ୟାଦେହରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରତିକାରକ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଏଇଟା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରତିକାରକ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଡାହାଣ ପଟକୁ କହିବା ଆମେ ଉତ୍ପାଦ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଠିକ୍ ହେଲା, ଆଉ ମାନେ ପ୍ରତିକାରକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତିକି ରହୁଛି ବସ୍ତୁତ ସଂଖ୍ୟା, ସେଇଟା ଉତ୍ପାଦକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସ୍ତୁତ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହେବା ଦରକାର ବସ୍ତୁତ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯାହାର ସମାନ ଥାଏ ତାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କହେ ବାଲାନ୍ସ ଇକ୍ୱେସନ୍, ଆଉ ଯେଉଁଟା ନଥାଏ ତାକୁ ଅସନ୍ତୁଳିତ ସମୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ କଥା ଆମକୁ ପଚାରିନି, ଆମକୁ ପଚାରିଛି ୟାକୁ ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼୍କୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ୍ କରାଇବା, ସେ ସମୟରେ H2O ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ବାହାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ OH ଆଉ ଇଏ H ମିଶିକି ହୋଇଯାଇଛି କ'ଣ H2O, ତାହେଲେ ଏପଟେ ରହିଗଲା Cl ଆଉ ଏପଟେ ରହିଗଲା Na, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା ହୋଇଯିବ NaCl ବା ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼। ଠିକ୍ ହେଲା, ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ NaCl ହୋଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କମନ୍ ସଲ୍ଟର ଫର୍ମୁଲା, ଅର୍ଡିନାରୀ ସଲ୍ଟ। ଠିକ୍ ହେଲା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଆୟନିକ ଯୌଗିକ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ ସହିତ। 22, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କେମିକାଲ ନେମ୍ ଅଫ୍ ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଆ, ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଆର କେମିକାଲ ନେମ୍ଟା କ'ଣ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼, ଅପ୍ସନ୍ ବି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍, ସି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼, ଡି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼। ଠିକ୍ ହେଲା, ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଆ କୁହାଯାଏ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼କୁ, ଏହାର ଫର୍ମୁଲା ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଟା ହେଉଛି MgOH-ର ହୋଲ୍ ଟୁ। ଠିକ୍ ହେଲା, MgOH-ର ହୋଲ୍ ଟୁ ହେଉଛି ଏହାର ଫର୍ମୁଲା, ଆଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼ ହେଉଛି ଏହାର ନାଁ। ଠିକ୍ ହେଲା, କେମିକାଲ ନେମ୍, ୟାଦେହରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଥର ଆସେ କେମିକାଲ ନେମ୍ରୁ, ତେଣୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲା ଅଫ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ର କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲାଟି କ'ଣ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ହେମିହାଇଡ୍ରେଟ୍ ବା ହାଫ୍ H2O, ମନେ ରଖିବେ CaSO4 ହାଫ୍ H2O, ଏହାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ହେମିହାଇଡ୍ରେଟ୍। ଓକେ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ହେମିହାଇଡ୍ରେଟ୍। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ରହିଛି ନା, ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରାଇବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଜିପ୍ସମ୍ ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ର ହାଫ୍ H2O, ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ 1.5 H2Oକୁ ମିଶାଇଦେବା, ପ୍ଲସ୍ ଯଦି 1.5 H2Oକୁ ମିଶାଇଦେବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ 2H2O। ଠିକ୍ ହେଲା, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ 2H2O, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଜିପ୍ସମ୍ର ଫର୍ମୁଲା। ଠିକ୍ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରଟା ଯେଉଁଟା ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଜିପ୍ସମ୍ର ଫର୍ମୁଲା, ଆମକୁ ପଚାରିଛି କ'ଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ର ଫର୍ମୁଲା, ତେଣୁ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ନା, ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋଲୋଜି ସବୁ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆମେ 500+ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ରେଗୁଲାରଲି, ସବୁଦିନ ଚାଲିବ, ତା ସହିତ ଯାହା ଯାହା କେବଳ ସାଇନ୍ସ ନୁହଁ ସବୁ ଟପିକ୍ର ଏମିତି ସିରିଜ୍ ଚାଲିବ। ଠିକ୍ ହେଲା, ଆମେ ପର୍ କ୍ଲାସ୍ରେ 30 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା କଲେ ବହୁତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଆମେ 30 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପାର୍ଟ ୱାଇଜ୍। ଓକେ, ତେଣୁ ଯଦି ଆମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଏ କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ, ଯେବେ ବି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ତା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ତାହେଲେ ବେଲ୍ ମେଟାଲ ଯଦି ଦେଖିବା, ବେଲ୍ ମେଟାଲ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏଲୟ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ମେଟାଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଲୟ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଏଲୟଟା କ'ଣ। ଠିକ୍ ହେଲା, ଏଲୟ କ'ଣ, ଏଲୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହୋମୋଜିନିୟସ୍ ମିକ୍ସଚର୍ ଅଫ୍ ମେଟାଲ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ମେଟାଲ, ମେଟାଲ ଆଉ ନନ୍ ମେଟାଲ ଯେତେବେଳେ ହୋମୋଜିନିୟସ୍ଲି ମିକ୍ସ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଏଲୟ ବୋଲି କହୁ। ଆଉ ବେଲ୍ ମେଟାଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଲୟ ଯେଉଁଟାକି ଖାସ୍ କରି କପର ଆଉ ଟିନ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ, କପର ଆଉ ଟିନ୍ର ମିଶ୍ରଣ। ତାହେଲେ କପର ହେଉଛି Cu,
टीन होची एसएन आपण को क्वेश्चन मध्ये प्रतीक रूप पचारि पारे टीन रो प्रतीक कोण ताले सेटा हिजबो एसएन कॉपर रो सीयू आ ओटे क्वेश्चन आपण को एम्ति पचारि पारे तर कंपोजिशन टा कोण सेतिर कॉपर रहूची आपण को 80% मन रखिबे आ टीन रहूची 20% बहुत बढ़िया क्वेश्चन एटा एग्जाम रे बारंबार आसुची बेल मेटल रे 80% कॉपर थाए और 20% टीन थाए ताले पचारि छि कोण एटा कहार मिश्रण कॉपर एंड टीन ऑप्शन नंबर ए हेगला सटीक आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज नोन आज फादर ऑफ मेडिसिन एबे बायोलॉजी रो क्वेश्चन अछि फादर ऑफ मेडिसिन कहा को कहिबा ताले फादर ऑफ मेडिसिन कह जाए हिप्पोक्रेटस को ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द एफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन क्यों विटामिन रो एफिशिएंसी रे नाइट ब्लाइंडनेस आसी थाए जो अंधार कोण कहंती खास करी हैला सेटा होची विटामिन ए अभाव रो हुए नॉर्मल क्वेश्चन एटा आपण माने जानि चंती आउ विटामिन रो आविष्कार करथिले मु डिस्कस करि सरिछि आगो फर्स्ट वीडियो रे सी फंक. ओके सी फंक होचंती विटामिन रो आविष्कारक आ विटामिन ए रो केमिकली जदि आमे तारा साइंटिफिक नेम देखिबा ताले सेटा होची रेटिनॉल. ओके रेटिनॉल रेटिनॉल होची विटामिन ए रो साइंटिफिक नेम. आगो को बढ़िबा रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन बा एरिथ्रोपोइसिस टेक्स प्लेस इन द डैश रेड ब्लड सेल रो जो प्रोडक्शन होची ना ताकु एरिथ्रोपोइसिस कह जाए. दुईटा क्वेश्चन याद रखी प्रथम तो आपन को बुले की क्वेश्चन पचारिबो फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल इज कॉल्ड डैश बा प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड डैश ताले जो आरबीसी रो अलगा ना होची कोन एरिथ्रोसाइट ना नै ताले एरिथ्रोसाइट रो प्रोडक्शन को एरिथ्रोपोइसिस बोली कह जाए. एटा गोटे क्वेश्चन नै परिबो ता सहित एटा जो कोटी हुए आरबीसी रो प्रोडक्शन केउ ठारे हुए सेटा पचारिची ताले एटा बोन मैरो रे हुए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ताले रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन और एरिथ्रोपोइसिस टेक्स प्लेस इन द बोन मैरो आमे जदि ब्लड को देखिबा ना देखंतु ब्लड होची गोटे फ्लुइड कनेक्टिव टिश्यू फ्लुइड कहले कोन एटा तरल आकार रे थाए कनेक्टिव टिश्यू कहले ओवरली सारा बॉडी रे एटा रहिची आ यार दुटा कंपोजिशन थाए गोटे होची प्लाज्मा आ गोटे होची सेल. ठीक हैला प्लाज्मा आ गोटे होची सेल या टिश्यू कहा जाए कहीं ए बहुत सारा सेल्स रही आउ सेल समाहार टिश्यू होता है ना तेणु ब्लडटा हूँ टिश्यू आउ सेल कौन कौन अच्छा याद देखिद सेल होती आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. ठीक है आरबीसी को आम कह रेड ब्लड सेल एटा 120 दिन बचे यहाँ भी मन रखिए यार आयुष मन रखिए पड़े परीक्षा आरबीसी या कहुए एरिथ्रोसाइट्स डब्ल्यूबीसी रही जहाँ कहते लिकोसाइट आउ या कथा गोटे इंपोर्टेंट मन रखिए यहाँ एमईवा पर निजर साइज को बदली पार डब्ल्यूबीसी सहित प्लेटलेट रही कि रक्त जमाट बांधा को दिए ना बा रक्त जमाट बांधे साहय कै सरी मोल्टा कथा कहीदेली रक्त जमाट बांधे साहय कै. ठीक है आउ हेपारिन दिए ना हाँ कन्फ्यूज हेनी या थ्रम्बोसाइट बोली कहुए. ओके प्लेटलेट अन्य नाम हो थ्रम्बोसाइट तेल आम क्वेश्चन कौन थी एरिथ्रोपोइसिस हुए कौटी तेल बोन मैरो हुए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉइस बॉक्स ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड एज डैश ह्यूमन रो वॉइस बॉक्स को कौन कहा जाए ताहले कहा जाए कौन लारेन्स मन रखिए ह्यूमन रो वॉइस बॉक्स को लारेन्स बोली कहा जाए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन ह्यूमन आई इज हाउ मेगा पिक्सल. ठीक है मानव चक्षु केते मेगा पिक्सल रो अटे 1024 99 576 720 ताले ऑप्शन नंबर सी हिजबो सटीक आंसर 576 मेगा पिक्सल रहउची मानवर चक्षु. आज लास्ट क्वेश्चन हला डिस्कस करी सारी मु ऑलरेडी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डैश इलेक्ट्रिक करंट रो यूनिट टा कोनो. ठीक है कैंडेला एम्पियर ओम नॉन ऑफ दिस ताले रेजिस्टेंस रो हबो ओम एटा हबनी एम्पियर ऑप्शन नंबर बी हेगला करेक्ट आंसर. ठीक है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर. ठीक है फ्रेंड्स आम डिस्कस कले 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि रिलेटेड थी आपण साइंस रो. ठीक है याद मिक्स करके आम नौचे फिजिक्स केमिस्ट्री आउ बायोलॉजी रु. ठीक है जदि आपण मानक आम क्लास भल लगुच मस्ट लाइक करूँ हेल्पफुल लगे सांग सहित सेयार करेंगे आउ फर्स्ट टाइम जदि आपने विजिट करते आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु फल जहाँ भी आम वीडियो अपलोड करूँ तार नोटिफिकेशन आपंक आसुव धन्यवाद.